ईडी की छानबीन में यह पता चला है कि गर्लफ्रेंड रिया न सिर्फ ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी बल्कि ड्रग्स के धंधे में भी शामिल थी। क्या है ये चौंकाने वाला मामला, चलिए बताते हैं आपको। अब लोग गुंडागर से गुंडागर्दी कराते इधर आ चुके हैं आजकल। एक काम कर, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सबसे बड़ी और नंबर वन आरोपी है। बेहद बिंदास अंदाज में रिया का ये पुराना वीडियो, उसकी बेतकल्लुफी बयान, अब रिया जांच एजेंसियों के रडार पर है। और आरोप सिर्फ सुशांत मौत के मामले में ही नहीं है बल्कि सूत्रों के मुताबिक रिया का अब ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने सीबीआई के साथ तमाम सबूत साझा किए हैं जिसमें रिया के ड्रग्स इस्तेमाल करने और ड्रग्स के धंधे में शामिल होने की बात है। ईडी ने सीबीआई के साथ रिया के फोन कॉल डिटेल और चैट डिटेल भी साझा किया है। सूत्रों के मुताबिक गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स की डीलर के बीच संपर्क करने वाली जानकारी भी सामने आई है, हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। वैसे ईडी ने सीबीआई को दिए किसी भी तरह के सबूत और सुराग पर चुप्पी साध रखी है। माना यह भी जा रहा है कि अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इस मामले की जांच में, जांच के दौरान ईडी को कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे कि यह साफ होता है कि रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स के साथ में कुछ लेना देना है। इन सभी सबूतों को ईडी ने सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भेजा हुआ है और दोनों एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स के साथ में क्या कनेक्शन है और क्या सुशांत की मौत का इससे कोई लेना देना है। ईडी ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में रिया और उसके परिवार के मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए थे। कहा जा रहा है कि रिया के मोबाइल की छानबीन में ही ड्रग्स कनेक्शन की जानकारी सामने आई है। सुशांत की मौत को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पहले ही शक जता चुके हैं। स्वामी ने सवाल उठाया है कि दुबई का ड्रग डीलर अयाश खान सुशांत से उनकी मौत के दिन क्यों मिला था। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया था कि ऐसी क्या वजह थी कि सुशांत की मौत वाले दिन ड्रग डीलर अयाश खान की उनसे मुलाकात हुई। फिलहाल रिया से सीबीआई की अब तक पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन रिया के बारे में सीबीआई जानकारी जरूर इकट्ठा कर रही है। अब उसी में शायद हीरोइन और हेरोइन कनेक्शन का एंगल भी जुड़ चुका है। मुंबई से मुनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।